यूं तो देश भर में बजरंगबली के कई सिद्ध मंदिर और अनूठी मूर्तियां हैं, मगर इंदौर में अंजनी पुत्र की एक ऐसी प्रतिमा स्थापित होने वाली है जो दुनिया में शायद ही कहीं हो। यह मूर्ति शहर के नजदीक पितृ पर्वत पर स्थापित की जाएगी। यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे बजरंगबली की यह प्रतिमा देश की ऐसी पहली प्रतिमा होगी जो अष्ट धातु से निर्मित होगी और इस मूर्ति को देखकर शक्ति का एहसास भी किया जा सकेगा। एमपी न्यूज पर आप भी देख लीजिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। शहर के नजदीक पितृ पर्वत की पहचान पुरखों की याद में लगाए गए पौधों से है, मगर अब इसकी पहचान प्रभु श्री राम के सबसे परम भक्त हनुमान की 66 फुट ऊंची प्रतिमा से होगी। ये मूर्ति बड़ी खास है और इस मूर्ति के निर्माण में बड़ा परिश्रम और बारीक नक्काशी का भी महत्व है, जो प्रतिमा की छवि को देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। पिछले 10 सालों से मूर्ति को बनाने का काम चल रहा है जो अब लगभग पूरा हो चुका है। बस अष्ट धातु की इस प्रतिमा पर स्पेशल एक्रेलिक गोल्ड पेंट लगाने का काम बाकी है। ये 2008 से इसका काम शुरू हुआ है। इसको हमने ग्वालियर में पहले 66 फुट का पूरा मॉडल बनाया मिट्टी का, और फिर इसको समिति से पास करा के फिर हमने इसका सांचा लिया। फिर इसकी धीरे धीरे ढलाई करके पूरा ढलाई होने के बाद 2013 में हम इंदौर लेके आए, और जब से इसको पार्ट्स जोड़ जोड़ के पूरा ये कि और घिसाई पिटाई करते करते आज यहाँ तक आए। और इसका छत्र बाकी है, अभी तो उसमें लगना है। अभी छत्र का एक खासियत है कि इसमें 1 से 8 बार राम राम लिखा गया है, और इसमें छत्र में सपोर्ट सिया राम की दी गई है। इसमें 18 लोग ग्वालियर से कलाकार लगेंगे। इसमें यह है खासियत कि इतनी बड़ी इंडिया के अंदर अष्ट धातु की हनुमान जी की मूर्ति कहीं भी नहीं। ग्वालियर के मूर्तिकार प्रभात राय की अगुवाई में पितृ पर्वत पर विराजे हनुमान जी की मूर्ति को आकार देने का काम चल रहा है। इस प्रतिमा को बनाने में सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा, एंटीमनी, जस्ता, सीसा और रांगा का इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर ये भव्य और विराट प्रतिमा पवन पुत्र हनुमान के प्रत्यक्ष होने का एहसास भी कराती है और भक्तों को हनुमान शक्ति भी प्रदान करती है। एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।